गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना था प्रोनाउन के बारे में, आपको हमने बताया था प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का डिफिनेशन भी बताया था, मैं उम्मीद है आप लोग याद भी किए होंगे, आपको समझ में आया होगा प्रोनाउन का डिफिनेशन, आप लोगों ने याद किया होगा। कहा प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या था, अ प्रोनाउन इज वर्ड वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी जो संज्ञा के बदले में क्या हो, कोई ऐसा शब्द जो प्रयुक्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। उससे जुड़े एक्सरसाइज आज हम लोग जानेंगे। चलिए अपना अपना बुक खोलिए, अपना अपना बुक खोलिए, आपका टॉपिक है द प्रोनाउन, वही प्रोनाउन टॉपिक वही है, बस आपको जो हम बताने जा रहे हैं उस टॉपिक में जो एक्सरसाइज आपका बाकी रह गया था कुछ, उस एक्सरसाइज को आज हम बताएंगे, समझाएंगे, उसको आप लोगों को अपने घर से क्या करना है, बनाना है। तो चलिए हम लोग अपने अपने बुक का पेज पलटेंगे, एक्सरसाइज 6 और एक्सरसाइज निकालेंगे। जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, उस क्वेश्चन के बारे में, तो क्वेश्चन है दिस इज अ लिस्ट ऑफ सम नाउन्स, यानी आपके क्वेश्चन में दिस इज अ लिस्ट ऑफ सम नाउन्स, यानी कुछ नाउन्स का जो आप लोगों को क्या दिया गया है, लिस्ट दिया गया है, यानी एक नाउन दिया गया है, राइट द प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ देम, और उसके स्थान पर आपको क्या करना है, उसके स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले, उसके बदले में जो प्रयुक्त होने वाले प्रोनाउंस हैं, नाउन के बदले जो प्रोनाउंस आते हैं उस प्रोनाउन को आपको लिखना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपने क्वेश्चन पे आते हैं, निकाल लिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है दिस, लिख लेंगे दिस इज ए लिस्ट ऑफ सम नाउंस राइट द प्रोनाउंस इन प्लेस PLACE प्लेस ऑफ दिस। अरे हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहले क्या कहता है क्वेश्चन देख लिए, उसमें दिया गया लिस्ट में आपका सोफा, सेकंड है मदर, थर्ड में गर्ल्स, फोर्थ में आपका है कैट, फिफ्थ में है गार्डनर, सिक्स में ताजमहल, सेवन के देखेंगे बॉक्स BOX बॉक्स, एट में आपका नेम है साहिल। ये सब आपको क्या दिए गए हैं, नाउन दिए गए हैं, ये सब क्या है, ये सब नाउन है, इन नाउन के बदले आपको क्या करना है, इसके स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले ऐसे आने वाले जो स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले क्या होते हैं प्रोनाउन, उस प्रोनाउन को आपको क्या करना है, लिखना है, जो वर्ड प्रयोग होते हैं उस वर्ड को आपको लिखना है। बॉक्स एट साहिल, नाइन आपका हो गया मुंबई, टेंथ आपका हो गया बुक, दस को और है उसको आप लोग अपने घर से बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए इतना ही आपको समझाते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि करना क्या है, इस क्वेश्चन में हम लोग करना क्या है, कहता है क्वेश्चन क्या है, दिस इज अ लिस्ट ऑफ सम नाउन्स, दिस मतलब यह होता है लिस्ट में, तो आप जान गए हमारा लिस्ट दिया गया यानी तैयार किया गया ऑफ सम नाउन्स, कुछ नाउन्स दिए गए, कुछ नाउन्स का यानी कुछ सम नाउन्स यानी कुछ संज्ञा का नेम दिए गए, नेमिंग, तो आप तो जानते हैं नाउन्स मीन्स नेमिंग वर्ड, यानी ये जो वर्ड है
किसी किसी का नाम है, कोई वस्तु का नाम है, कोई मदर्स है, गर्ल्स है, कैट है, एनिमल्स नेम है, रहना बगीचा है, ताजमहल प्लेसेस नेम है, थिंग्स नेम है, पर्सन नेम है, प्लेसेस नेम है और थिंग्स नेम है, यानी कुछ नाउंस दिए गए हैं, कुछ नाउंस के नेम दिए गए हैं। राइट द प्रोनाउंस और इन प्लेस ऑफ दे, यानी ये जो नेम दिए गए हैं इसके स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उस प्रोनाउन को आप लोगों को क्या करना है, लिखना है। जैसे कि हमने बताया था आपको प्रोनाउंस के डिफिनेशन में, आप लोगों को हमने बताया था, क्या बताया था याद है, क्या बताया था आप लोग को, कौन कौन से आपको एग्जाम्पल बताया, जैसे आई वी यू दे ही सी इट हिम हर दिस देम मी देयर माई हिज आर, ये सब क्या थे, प्रोनाउंस है। तो इसी ये जो नाउंस है इसी नाउंस के स्थान पर इन लोगों को ये जो दिए गए वर्ड है उनको क्या करना है, इसी दिए गए वर्ड में से प्रयोग करना है। जैसे कि पर्सन के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, ही सी का प्रयोग करते हैं। प्लेसेस के लिए क्या क्या प्रयोग करते हैं, प्लेसेस के लिए इट का प्रयोग करते हैं, प्लेसेस के लिए क्या क्या प्रयोग करते हैं, इट। प्लेसेस के लिए नाउन के स्थान पर जो आते हैं उसके लिए क्या करते हैं, इट। और क्या थिंग्स के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं उसके स्थान पर उसका प्रयोग करते हैं। इसलिए चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले सोफा, हमारा जो सबसे पहला जो लिस्ट में नेम है वह क्या चीज का है, सोफा का। तो सोफा ऐसे क्या होगा, थिंग्स, जैसे कि हमने बताया कि थिंग्स में सोफा आता है, सोफा के लिए क्या का प्रयोग करेंगे, इट, सोफा के लिए। और पर्सन में आपका दो चीज होता है, पर्सन में आपका क्या हो गया, एक मेल आता है और एक फीमेल आता है, मेल और फीमेल। तो मेल के लिए क्या प्रयोग करेंगे, मेल के लिए हम लोग ही का प्रयोग करेंगे और फीमेल के लिए सी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या है, मेल के लिए ही और फीमेल के लिए आप लोग को सी का प्रयोग करना है, पर्सन में पर्सन नेम में एंड थिंग्स नेम में बताए इट और प्लेसेस नेम में भी इट का प्रयोग करेंगे। अगर उसी में अगर प्लूरल हो गया, यानी जैसे आपको दिया गया है साहिल एंड सेंची, ये टू नेम यानी सिंगल नेम हो गया, डबल हो गए, प्लूरल हो गया, प्लूरल्स के लिए क्या बताए, दे का प्रयोग करें, ठीक है, उसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या चलते हैं, सोफा, सोफा में क्या बनेगा, सोफा के लिए क्या बताए, थिंग्स एज अ थिंग्स मतलब वस्तु, सोफा के लिए क्या हो जाएगा, इट, क्या हो गया आपका, आपको बताएं तो थिंग्स के लिए हम लोग क्या स्थान करते हैं, थिंग्स का जो नाउन दिया गया उसके बदले में हम लोग उसके क्या लिए क्या करते हैं, इट। अब हो गए मदर, मदर क्या हो गए, मेल है फीमेल है, फीमेल है, फीमेल, तो फीमेल के लिए हमने क्या बताया, उसके लिए सी, यहाँ पर क्या पड़ेंगे, सी का प्रयोग करेंगे, सी हो गया। गर्ल्स, गर्ल्स के लिए भी क्या हो जाएगा, सी, इसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले क्या हो गया, सी, कैट, एनिमल है, क्या हो गया, एनिमल। अब जैसे कि हमने बताया था थिंग्स और एनिमल्स के लिए आप लोगों को ई का प्रयोग करना है, तो हम लोग कैमल, सॉरी कैट, कैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली, यह क्या है, एनिमल है, इसके स्थान क्या होगा, इसके स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले वर्ड है वो कौन सा है, इट, क्या हो गया, इट, ठीक है। गार्डनर, यह भी एक स्थान है, गार्डनर एक कौन होता है, जो बगीचे की देखभाल करता है, ठीक है, तो उस गार्डनर के लिए क्या होगा, ही, गार्डनर क्या है, ही, ठीक है ना। ताजमहल, ताजमहल क्या है, प्लेसेस का नाम है, उसके स्थान पर क्या प्रयुक्त होगा, एज इट, क्या हो गया, इट। बॉक्स, बॉक्स आपका क्या है, बॉक्स में क्या होता है, बक्सा, वह क्या है, प्रकार सा थिंग्स है, इसके लिए क्या प्रयोग होगा, इट, ठीक है। इसी तरह आपको जो दिए गए उसमें और नेम्स है 14, उन सभी को क्या करना है, आपको बनाकर अपने घर पर लाना है, ठीक है, आपको घर पर इस तरह आपको अपने एक्सरसाइज को पूरा करना है, क्वेश्चन को पूरा करना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यह क्वेश्चन क्या दिया गया, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे। समझ गए आप लोग, इस क्वेश्चन को क्या करना है, कैसे बनाना है, समझ गए ना, क्या करना है, दिस इज अ लिस्ट ऑफ सम नाउंस, यानी यहाँ पर जो लिस्ट दिया गया है, जो नाम दिया गया है, यह सब क्या है, नाउंस है, इस नाउंस के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले वर्ड होते हैं उस वर्ड को आपको क्या करना है, लिखना है, जिसमें से हमने आपको कुछ वर्ड को समझाया, क्या समझाया,
एज अ प्लेस के स्थान, प्लेस या थिंग्स के स्थान पर गए हम क्या करेंगे, उसके स्थान पर जो प्रयुक्त होता है वर्ड, जो प्रयुक्त होता है वह क्या होता है, इट। उसके लिए मेल पर्सन में दो चीज होता है, मेल के लिए ही और फीमेल के लिए सी, और एनिमल के लिए भी इट का प्रयोग होता है। उसी संबंध इसमें मेल और फीमेल के ही नेम दिए गए हैं और कुछ प्लेसेज और एनिमल्स के नेम दिए गए, इनको आपको क्या करना है, उनके बदले जो वर्ड प्रयुक्त होने वाले हैं उन वर्डों को आपको लिखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंस यूजिंग प्रोनाउंस इन प्लेसेज ऑफ कलर दिस वर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है क्वेश्चन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट RWRIT राइट द फ्लोइंग फ्लोइंग सेंटेंसेस 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 यूजिंग यूजिंग प्रोनाउंस प्रोनाउंस इन प्लेस प्लेस ऑफ कलर COLOURED कलर्ड वर्ड। यानी आप बुक अपने अपने बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है, री राइट द फ्लोइंग सेंटेंस। हमारे यानी हमको सेंटेंस दिया गया है, यानी यहाँ पर सेंटेंस बताया गया है, जो सेंटेंस लिखा गया है उसी सेंटेंस को रिराइट करना है, यानी पुनः लिखना है। क्या करना है, उस सेंटेंस को आप लोगों को पुनः लिखना है यूजिंग प्रोनाउंस करके। बस इतना सा अंतर करना है कि जहां पर नाउन के बदले प्रोनाउंस का वर्ड प्रयोग होगा, जो प्रोनाउंस प्रयोग होंगे उस प्रोनाउन को आपको क्या करना है, पुनः स्थान पर जो लिखाएगा उस स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करके उस सेंटेंस को पुनः यानी रिराइट लिखना है। इन प्लेस ऑफ कलर दिस वर्ड, इस सेंटेंस में तो बताया गया है कलर करके, यहाँ पर यह जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में यह जो वर्ड है, इस वर्ड को आपको क्या करना है, इस वर्ड को चेंज करके नाउन जो दिया गया है, इस वर्ड को चेंज करके आपको क्या करना है, इसके स्थान पर प्रोनाउंस को लिखना है। तो चलिए इसमें क्या होता है, क्वेश्चन क्या है देखेंगे। इस क्वेश्चन देख लिए, रिराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस यूजिंग प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ कलर वर्ड। यानी यहाँ जो सेंटेंस दिया गया, जो वाक्य दिया गया है, इस सेंटेंस में आपको क्या करना है, जो कलर्ड वर्ड है यानी जो कलर किया गया वर्ड है, उस वर्ड के स्थान पर हम लोगों को क्या करना है, यूजिंग प्रोनाउंस का प्रयोग करना है, उसके स्थान पर हम लोगों को प्रोनाउंस का प्रयोग करना है। तो क्वेश्चन क्या है देखेंगे, वह सेंटेंस क्या है, जो सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस को पता है, द बॉय सा सा मैंगो मैंगो फ्रूट ऑफ द द बॉय वांटेड द बॉय वांटेड द मैंगो। ठीक है ना, क्या है सेंटेंस, सेंटेंस क्या दिया गया है, द बॉय शाह SAW शाह अ मैंगो द बॉय शाह अ मैंगो द बॉय वांटेड द मैंगो। यानी एक लड़का जो है वह क्या करता है, लड़का जो है एक आम को देखा, उस लड़का ने क्या किया, एक आम देखा, द बॉय वांटेड द मैंगो, और वह लड़का जो है क्या करता है, वह क्या चाहता है, वांटेड मीन्स क्या होता है, चाहना, द मैंगो, और वह जो लड़का है वह मैंगो को पाना चाहता है, यानी वह मैंगो को लेना चाहता है, द बॉय वांटेड द मैंगो, वह जो बॉय है मैंगो को चाहता है, उसको अपने आप पास चाहता है, कि वह मेरे पास है, मेरे पास होता द मैंगो, सॉरी द बॉय वांटेड द मैंगो। यानी जो लड़का है उस आम को जिसने जिस सॉरी जो लड़का है जिसने आम को देखा वह क्या चाहता है, द बॉय वांटेड द मैंगो, उस आम को चाहता है। तो यहाँ पर बार बार यह जो सेंटेंस है, इसी सेंटेंस में एक वर्ड यानी जो नाम को क्या किया गया है, पुनः दोहराया गया है, और यह जो आपके बुक में
कलर के रूप में इसको इंडिकेट किया गया है, जिसे हम लोग क्या बताए, हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको अंडरलाइन के रूप में, यह जो वर्ड है इसी वर्ड को आपको क्या करना है, रिराइट करना है, यानी चेंज करके इसके स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले वर्ड है उस वर्ड को आपको क्या करना है, लिखना है, यूजिंग प्रोनाउंस को लिखना है। क्योंकि एक सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में बार बार इस चीज को उपयोग करने से वाक्य जो है वह क्या होता है, थोड़ा भद्दा टाइप का लगने लगता है, वाक्य को बोलने में अच्छा नहीं लगता। जैसे बोले द बॉय साय मैन को, द बॉय वांटेड मैन को, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन इसके स्थान पर क्या होगा, बॉय, बॉय क्या, जैसे बताया फीमेल, फीमेल के लिए क्या होता है ही, तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, द बॉय सा मैन गो ही, क्या हो गया, द बॉय के लिए हमने क्या प्रयोग किया, ही वांटेड द मैन गो, यानी वह आम चाहता है, वह लड़का जो है आम को क्या करना चाहता है, पाना चाहता है। तो इसके लिए प्रयोग कौन सा होगा, वर्ड जो होगा ही, यानी हम लोग को पहले अब इसका आंसर जो होगा रिराइट करके हम जो लिखेंगे वह क्या होगा, लिखेंगे पहले देखकर लिखेंगे, द बॉय सा अ मैंगो, फुल स्टॉप। हमको केवल उसी को चेंज करना है जो हमारे बुक में दिया गया, क्वेश्चन में कहा गया कि उसी को चेंज करना है जहां पर आपको क्या है कलर्ड किया गया है, यानी इस सेंटेंस में आपको कलर करके इंडिकेट किया गया है, उस वर्ड को आपको चेंज करके केवल रिराइट कर देना है, उसके स्थान पर उपयुक्त होने वाले प्रोनाउंस को केवल लिखना है। तो हमारे इसके बदले में हमने क्या प्रोनाउन किया, इस प्रोनाउन का उपयोग किया, ही का, इसको चेंज किया ही, यानी द बॉय के लिए हमने क्या लगाया, ही, यह जो ही हो गया आपका क्या हो गया, वो नाउन, और द बॉय जो क्या था, नाउन, इस नाउन के स्थान पर हम लोगों ने प्रयोग किया क्या, ही, इसके स्थान को चेंज करके हमने प्रोनाउंस के रूप में बदल दिया, और पुनः लिख रहे ही वांटेड, ही वांटेड द मैंगो, समझ आ गया, समझ आ गया आप लोग को, बोलिए समझ आ गया ना, क्या समझ में आया, क्या समझे, क्या समझे, हाँ यही समझे, द बॉय साय मैंगो, यानी द बॉय के सर, द बॉय के रूप में जो यहाँ पर प्रयुक्त वर्ड हो रहा था उसके बदले हमने क्या प्रयोग किया, ही का प्रयोग किया। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस हम लोग देखते हैं उसके बदले में क्या प्रयुक्त होता है, एक और सेंटेंस आप लोगों को समझा देते हैं कि उसके कहाँ पर आपको कैसे चेंज करना है, उसी तरह आप अपने घर पर क्या करेंगे, ये जो दिए गए सेंटेंस है और सेंटेंस में जो वर्ड को कलर किया गया है, उस कलर जो इंडिकेट किया गया उस सेंटेंस में जो कलर किए गए वर्ड को आप लोगों को क्या कर देना है, क्या करना है बोलो, क्या करना है, इंडिकेट दिए गए कलर वर्ड को आप लोग को चेंज करके पुनः प्रोनाउन में बदल कर उस सेंटेंस को पुनः लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, दिस इज सोमिया, क्या है, दिस इज सोमिया, यह क्या है, यह सोमिया है, यहां पर सोमिया को पुनः लिखा जा रहा है, सोमिया, सोमिया, ठीक है, यह जो सोमिया वर्ड है आपके बुक में कलर के रूप में इंडिकेट किया गया है, सोमिया इज वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मीन्स क्या होता है, बुद्धिमान, तेज, गॉड, क्या है, गर्ल, गर्ल मीन्स क्या हो गया, लड़की, गर्ल मीन्स क्या हो गया, लड़की। सेंटेंस देखिए आप लोग अपने अपने बुक में भी देखिए क्या दिया गया है, नजर आ रहा है ना, दिस इज सोमिया, फुल स्टॉप, क्या है, यह सोमिया है, यह जो सोमिया है एक किसका नाम है, गर्ल का नाम, सोमिया किसका नाम है, गर्ल का, और उसी के बदले फिर से पुनः यहाँ पर क्या किया गया है, इस सेंटेंस में सोमिया का ही प्रयोग किया गया, सोमिया इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, यानी सोमिया जो है बहुत इंटेलिजेंट गर्ल है। तो हमको क्या किया गया, जो बताया गया आपको क्वेश्चन में कहा गया कि जो सेंटेंस में कलर के रूप में इंडिकेट किया गया उसी को आप लोगों को क्या कर देना है, पुनः चेंज कर सेंटेंस को लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे बोलिए, अभी आपको बताया था पिछले बार क्वेश्चन में, पिछले वाले एक्सरसाइज में बताया था ना कि मेल के लिए ही और फीमेल के लिए क्या करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं, जब पर्सन्स नेम है तो पर्सन्स नेम में सोमिया है, तो सोमिया क्या है, एक फीमेल है, गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सोमिया के बदले क्या लिखेंगे, सी का। तो चलिए लिखते हैं, दिस
इज सोम्या। अब हम इसके बदले में क्या प्रयोग करेंगे, सोम्या के बदले हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, सी। सी सी क्या हो गया आपका, प्रोनाउंस हो गया, सी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, समझ आ गया सबको, समझ आ गया ना, समझ गया हमने क्या किया, सभी चीज को सब रिराइट वही चीज रहेगा, सब सेंटेंस में जो रहेगा जितना भी हम लोग लिखेंगे वो सब सेम लिखेंगे, लेकिन केवल जो कलर से इंडिकेट किया गया उस सेंटेंस उस वर्ड को हम लोगों को केवल चेंज करके क्या करना है, प्रोनाउंस के रूप में लिखना है। चलिए आप लोग इसी क्वेश्चन को एक्सरसाइज दोनों जो दिया गया क्वेश्चन सी और डी है, इसको आप लोग अपने घर पर होमवर्क के रूप में क्या करेंगे, बनाकर लाएंगे। ठीक है ना, चलिए तो लिख लीजिए आपका होमवर्क क्या है, HW यानी होमवर्क। होमवर्क मतलब क्या होता है, गृह कार्य आप लोगों को घर से अपने पूरा करना है। तो इसमें क्वेश्चन में लिखेंगे, मैं एक्सरसाइज मेक एक्सरसाइज सी एंड डी लेसन, लेसन कौन सा है, 6। यानी आप लोग को एक्सरसाइज सी जो हमने बताया, सी और डी आपको समझाया, उसमें कुछ सी वाले में आपका सम्स नाउन दिए गए, उस नाउन्स को बदले प्रोनाउन को प्रयोग करना है, और डी वाले क्वेश्चन में आप लोगों को जो सेंटेंस में कुछ वर्ड जो कलर से इंडिकेट किए गए उसको प्रयोग चेंज कर प्रोनाउंस को लिख कर बनाकर लाना है। ठीक है, थैंक यू।